रोदा शाद रहे। माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग लै इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी। डिंगड़ंग 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 डिंगड़ंग। दिल छोटा नहीं किया चाचे, दिल बहुत बड़ा किया, तभी तो सर नीचे करके आपकी सारी बातें मान ली। मुझसे ना रखिए इससे ज्यादा उम्मीद, ज्यादती होनी है ये। वो लोग भी वहाँ खड़े होके सिर्फ मुझे देख रहे हैं, समझा रहे हैं मुझे, और जब से मैं घर आई हूँ आप ही मुझे ही समझा रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ही ओवर रिएक्ट किया है, सब कुछ मैंने ही किया है। जैसे मैं वलीद की शादी के बारे में बात करना चाह रहा था। वलीद की शादी? मैंने ये बच्चा इसलिए गोद लिया था कि हमारी वीरान जिंदगी में जो कमी और महरूमियां हैं वो दूर हो सके। मैं इसकी माँ और तुम इसके बाप हो, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी औलाद चाहिए थी। क्या सोच रहे हैं भाई? कितने दिन हो गए जी, ख्वाजा साहब भी नहीं आए, आप भी नहीं गए शतरंज खेलने के लिए उनकी तरफ। यार मैं तुझे यहां बैठा चुभ रहा हूं। नहीं 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 जी नहीं, अब ये मतलब नहीं था मेरा, मैं कह रहा था भाई आप अपनी रूटीन के मुताबिक निकला करें जी, मॉर्निंग वॉक पर जाए, ये देखे पौधों को पानी भी नहीं दे रहे आप, वो माली की खबर भी नहीं ली कि आपने ठीक काम नहीं कर रहा, वो गली के चौकीदार को भी नहीं डांटा। और तो और यार तू चाह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है? मैं वो तेरा पागल हो गया, हर वक्त हर बंदे को काटने को दौड़ता हूं मैं। नहीं जी नहीं, अब भैया आप तो मेरी बात का उल्टा मतलब ले रहे हैं जी। मैं परेशान था जी कि आप कुछ मुझे मुझे लग रहे हैं, कुछ दिल नहीं लग रहा आपका, बाहर भी नहीं जा रहे, खैर तो है सजा जोया बहुत याद है भाई। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जी, इधर ही तो है जी, वापस आ गई भी है, 15 मिनट की ड्राइव पे तो घर है उसका। ऐसा मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। तू हाजरा को मैं कहता हूँ वो खाने पे बुला ले। ओ नहीं होए, बुलाना भी नहीं उसको। क्या बात है यार, जिस होया को तू बुला रहा है मुझे उससे नहीं मिलना है। ये वो जोया नहीं है जिस जोया के बारे में मैं सोच रहा हूं, ये तो किसी की बीवी है, किसी की बहू है, मेम साहब है भाई, मेम साहब। आज मुझे वो जोया याद आ रही है जो अपने कमरे में बैठी होती थी, उसको पता चल जाता था अब्बा जी को क्या चाहिए, अब्बा जी चाय कब पीते हैं, अब्बा जी का मूड क्यों खराब है। वो अपने कमरे से आती थी, इधर मेरे पास बैठ जाती थी, इधर मेरे हाथ पकड़ती थी, इस तरह मेरी तरफ देखती थी, मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती थी। मैं सोचता था अल्लाह मियां ने बेटी नहीं दी है भाई, मरम दे दिया है, मरम कि ले बंदे जब तू उदार हो, जब तू तंग हो, नाखुश हो, अपनी पुत्री का चेहरा देख लिया, अगर उसकी मीठी मीठी बातें सुन जाएगा
खुश हो जाएगा। वो तो याद आ रही। किधर जा रहे हो? आज बस बस में निकल रहे। हाँ जा 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 काम से जा। जया रात को मुझे ख्याल आया, आई थॉट तुम्हें सुबह याद दिलाऊंगा। इसने आपको मुझे देख के ऐसे नहीं लग रहा कि मेरे आई बैग ज्यादा हो गए? What's wrong with you यार? इस किस्म के तुमने वहम पाल रखे हैं। कभी डार्क सर्कल्स, कभी आई बैग्स, कभी तुम्हें अपनी स्किन पे स्पॉट नजर आने लगते हैं, कभी कुछ। अच्छा क्या छोड़ इन बातों, मैं सोच रहा था जो हमने गिफ्ट लिए थे उनके लिए उन्होंने वैसे ही वापस कर दिए, क्यों ना हम आज शाम को चले गिफ्ट के साथ? मैं नहीं जाऊंगी। जया वो गिफ्ट तुमने इतने प्यार से लिए थे उनके लिए यार। तो भिजवा देंगे, आप चले जाएं मेरे बगैर गिफ्ट्स लेके। इतनी छोटी सी बात पर अपने पेरेंट्स से भला कोई नाराज होता है? तो मैं पेरेंट्स से तो नहीं नाराज हूँ, मैं तो अपने भाइयों और भाभियों से, और वो सादान अम्मी और अब्बू ने भी ना, मैं तो उनकी साइड ले रही थी और उल्टा मुझे ही डांट दिया। तुम्हें किसी ने नहीं डांटा, मैं वहीं पे था। ये डांट ही तो होती है। अच्छा चलो डांट भी दिया तो क्या, तुम्हारे बड़े हैं कि तुम्हें आज से पहले कभी नहीं डांटा। पहले की बात और थी और अब की बात और है, मैं मैरिड हूँ। इतने दिनों बाद गई मैं, वो भी अपने हस्बैंड के साथ, उन्हें ऐसे नहीं पेश आना चाहिए था। जी मुझे तुम्हारी समझ नहीं है। मुझे लगता है कि अपने ही घर के लोग जिनके साथ हमने अपनी लाइफ का एक हिस्सा गुजारा होता है, अगर ऑल्फ सडन वो हमें मेहमानों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें या स्पेशल प्रोटोकॉल देने लग जाए तो हमें ही अजीब लगेगा। लेकिन तुम उल्टा सोचती। देखो तुम अपनी छोटी सी बात को लेके आखिर कब तक नाराज रहो? एक गिफ्ट देने का बहाना अच्छा है, ये देने चलते हैं। मैं तो अभी नहीं जाऊंगी, देखते हैं थोड़ा वक्त देते हैं, उनको पता भी चले कि मैं नाराज हूं। पता नहीं उनको मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है या नहीं, ये भी पता चलेगा ना कोई मुझे मनाने आता है या नहीं। बेटा आराम से खाओ, हौसले से बेटा। इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खा रही हूँ, बहुत अच्छा है। इतने दिन बाद मेरे हाथ का खाना खा रही हो या इतने दिन बाद पेट भर के खा रही हो? अम्मी देखो तो सही कितनी कमजोर हो गई हो, ऐसा लगता है कुछ खाती पीती नहीं हो। कोई कमजोर वमजोर नहीं हुई मैं, आप माओ की तो आदत है अरसे बाद अपने बच्चों को देखे तो हम कमजोर ही नजर आते। मैं वहां बहुत खुश हूँ, मेरा सब बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है दादा और दादी जान तो इतने क्यूट हैं, इतने क्यूट हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हम तो आदी हैं अकेले रहने के, कभी कभार अपने ननिहाल ददियाल वालों से मिलते, लेकिन वो लोग कभी अकेले नहीं होते, हमेशा एक साथ होते हैं, घर में हमेशा ही रौनक होती है। आप जानती हैं रुबीना चची और उनके बच्चे
बस हमेशा खेलते ही रहते, कभी उधर से इधर भाग रहा होता है बच्चा, कभी इधर से उधर। और जाहिद चाचा तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखा रहे होते। लैला चाची है ना, वो थोड़ी सीरियस टाइप के, लेकिन मैं उनकी पर्सनालिटी से इतना इंस्पायर्ड हूँ ना, किसी दिन डिटेल में आपको बताऊंगी। मेरी नंद है ना शायना, अम्मी वो बिल्कुल टिपिकल नंद नहीं है, जो हम फिल्मों में टीवी में देखते हैं ना, बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ। मैं इतना ख्याल रखती है, कभी कभार तो मैं भी शर्मिंदा हो जाती हूँ। और बाबा तो हमेशा पूछते रहते हैं कुछ चाहिए, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। और सादान को तो आप जानती हैं, क्या कह रही हैं। अपनी सास का जिक्र नहीं किया तूने। वो भी बहुत अच्छी है। तुम कह रही हो तो सब ठीक ही होगा, खुदा करे तो खुशी हो, और अगर खुदा ना खास्ता ना खुश भी हुई तो मैं जानकर क्या करूंगी सिवाय दुखी होने के। कोई दुखी बुखी नहीं है आप, बस कर दें। तो अब्बा को भी देखें, बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। कितना खुश थे मुझे देख के, ऐसा लग रहा था उनके चेहरे पर रौनक आ गई है। और अम्मी मेरी शादी की परेशानी थी ना, तो हो गई मेरी शादी। आप लोगों को यही डर था मैं घर पे बैठी रहूंगी तो लोग बातें करेंगे, आपको ताने देंगे, वो सिलसिला भी खत्म हो गया। आपको इसी बात का डर था ना, बहनों का रिश्ता आएगा तो लोग यही पूछेंगे क्यों बारात वापस गई आपकी बेटी की, और जब आप बताएंगी तो वो लोग वापस चले जाएंगे। जब ऐसा भी नहीं हो रहा तो किस चीज की फिक्र ही रह गई पीछे। एक ही बात की फिक्र कि कहीं सबके कांटे चुनते चुनते तेरे पैर जख्मी ना हो जाए। अच्छा हम छोड़े ना, क्यों परेशान हो रही है, इतने दिनों बाद आई हूँ, खाना ले ना बस। अच्छा बस करें, बहुत भूख लग रही है। तो तुमने सुन लिया ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है, ज्यादा बड़ा कोई मसला नहीं है, बस ये कि आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। कैसे रखूं ख्याल, खाया पिया नहीं जाता, भूख जोड़ जाती है मेरी। अगर आप दिन में एक आध दफा आ जाए करें तो मिलकर बैठ के खाना खा लें। असीना क्या हो गया है, मैं काफी मुतमईन था कि तुम उन टिपिकल औरतों की तरह कोई डिमांड नहीं करोगी, लेकिन अब हर रोज एक नई जिद कर रही हो। ठीक है नहीं करती मैं डिमांड, लेकिन वो तो पहले की बात थी ना, जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आप पे कोई हक नहीं है, सिर्फ लैला का हक है आप पे। लेकिन आसिम अब तो वो जगह खाली है ना, मैं क्या उसका हक जबरदस्ती छीनूंगी, उसने तो खुद ही सारे हक खत्म कर दिए। रिश्ते ऐसे नहीं होते, एक तरफ से खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, अब इस बारे में सोच सोच कर अपनी तबीयत और खराब नहीं करो। जूस पियोगी? नहीं। तुम्हें कह रही थी कि आप आ जाया करें तो मैं खा पी लिया करूंगी, अब जब मैं आपके साथ हूँ तो मेरे साथ जूस ही पी लो। हाँ ये हो सकता। पाक हुआ है, इतना अच्छा सरप्राइज, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं। थैंक यू, मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं ऐसे ही बैठ के टीवी देख रही थी और फिर आप आ गए, मुझे तो पता भी नहीं था। पहली दफा कोई मेरे मैके से आया मेरे ससुराल। मैके से? ले तूने तो पराई कर दिया गुड़िया, ये भी तो कह सकती थी कि मेरा भाई पहली बार मेरे घर आया। ससुराल पेका, मुबदों को खानों में क्यों बांट रही है, है जोया? शफीक जैसा बंदा
जो 5 साल में इतना हौसला नहीं करता कि टिकट खर्च करके चक्कर लगा ले, वो 3 महीने के अंदर टिकट लेके आ गया। अच्छा, तो ये चल रहा था उसके दिमाग में। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। मैंने तो अपना उल्लू सीधा करना था, इसलिए उनको कहा था कि हमारे घर में ठहर जाएं। सोचा था कि जितनी देर यहाँ होंगे ना, उनका दिल मोम कर लूंगी, उनको यकीन दिला दूंगी कि मेरी बेटी से बेहतर कोई नहीं वलीद के लिए। लेकिन इतनी आसानी से मान गए। आप समझ आई, जिस काम के लिए वो आ रहे थे, अब्बा जी ने तो जाहिर सी बात है कि उनको ठुड्डे मार के घर से निकालना था। फिर तो मेरे घर ही रहना है ना। तुम्हारे अब्बा जी को ठुड्डे मार के निकालने के सिवा आता क्या है? हर किसी को ठुड्डे मारने में, वो भी इसमें शफीक ने क्या गलत किया है? हक क्या उसका? कोई गलत थोड़ा किया उसने? नहीं, हक तो बाकियों का भी है। अगर वो चुप है तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? इनको क्या जल्दी है? बाकियों का हक है, तू अपने बारे में सोच, अपना हक लेना भी सीख। कितनी देर तक ये भोली बनी रहेगी? कोई दुनिया की हवा ही नहीं लगी तुझे? नहीं भाई, मैं तुझे एक बात बता दूं साफ, माँ बाप की साइड लेनी है तो ले, मगर फिर ये भूल जा कि फिर शफीक जो है वो इस घर में अपने बेटे की शादी होने। ओ हाय, क्यों नहीं होगा रिश्ता? और मैं कौन सी साइड ले रही हूँ, ना अब्बा जी की ले रही हूँ ना शफीक भाई की। मैं तो बैठ के तमाशा देख रही हूँ कि ऊंट किस तरफ करवट लेगा। मुझसे पूछ लेना, मैं बता देता हूँ, तू लिखवा ले मुझसे, लिख ले अभी। शफीक ने उस घर में रह जाना अकेला, सारे खानदान ने एक साइड पे हो जाना, शफीक एक साइड पे रह जाएगा, उसकी एक नहीं चलनी है। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर कोई शफीक के साथ मिलके उसका साथ दे, प्रेशराइज करे, तो तुम्हारे अब्बा जो है वो किसी जोर में आ सकते हैं, वरना नहीं। तुम कौन से प्रेशर की बात कर रहे हो हैं? क्या चाह रहे हो तुम कि मैं शफीक भाई की हमायती बन जाऊं, उनकी साइड लूं और पूरे खानदान से मैं ताल्लुक छोड़ दूं? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है कि तुम शफीक भाई की हमायती सिर्फ इसलिए बन जाओगे बेटी का रिश्ता करवाना? भाई अपने हक की बात करो, हक नहीं लेना अपना, बस सारी जिंदगी इस भोलपन में ही गुजार देना। इसे कहते तुम सही रहे हो, मैं हूं जरा भोली, मुझे नहीं आती चलाकियां बाकी औरतों की तरह, हूं सीधी सादी मासूम रूह, मैं क्या जानू दुनिया के गोरख धंधों का। हाँ जी, हमें नहीं पता ना, यही तो मसला है ना, तुम्हें पता है ना मुझे पता है, मुझे देख लो, शराफत में क्या कमाया, कारोबार हर रोज नीचे से नीचे जा रहा है, नुकसान पे नुकसान नुकसान पे, हम रह जाएं जी मासूमियत में, बस ठीक है, हम मासूम हैं। इस दुनिया में कामयाब वो लोग हैं जो तेरे भाई सज्जाद की तरह चलित्र चला गए। तुम मेरे भाई के बारे में बकवास मत करो। और तमीज से बात किया कर, बकवास ना करो, क्या गलत कह रहा हूं? नहीं किया उसने, नहीं है चलित्र चलाक, वो चलाकियां कर करके सारा कारोबार जो है उसने कब्जे में कर लिया, अकेला मालिक बन गया पूरे कारोबार का, हमें क्या मिला? नुकसान, डर नुकसान, डर नुकसान। भाई के बारे में इतना, भाई तुम्हारा, और अपना हक जो है ना वो मांग, अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, बूढ़े हो गए अब। मैंने तो फैसला कर लिया भाई, मैंने तो ये जो शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ है ना, मैं तो उतार बस। इस दुनिया में चलाक बनो जैसे तुम्हारा भाई सज्जाद, तुम्हारा भाई सज्जाद, तुम्हारा भाई सज्जाद, सीधी गेम तो नोक ले। मेरा तो ना दिल्ली बैठ गया जब अब्बाई ने कहा कि वो तुझे याद कर रहे, अपनी जोया को जो उनकी लाडली बेटी नहीं घर में वाहिद थी जो उन्हें समझती थी, याद था तुझे जोया? जब अब्बाई नाराज हो जाते थे तो हम वैसे तो किसी की नहीं सुनते थे, अम्मी जी के भी नहीं काबू आते, फिर हम तुझे भेजते थे, सबसे छोटी थी लेकिन ये जानती थी कि उनका गुस्सा कैसे कंट्रोल करना, तू जिद्दी भी नहीं थी पर सारी बातें मनवा लेती थी उनसे। हाजरा आज के दिन तक ना तुझे अपनी बेटी मानती आई है, पता है क्यों? तूने कभी उसे नन बन के दिखाया ही,
रंगीन नहीं दिखाया नंद वाला, मैं अपनी बीवी की अच्छाई नहीं कर रहा। जोया अल्लाह गवाह है, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी मैंने हाजरा को ऐसे ही फिक्रमंद देखा जैसे अपनी जवान बेटी के बारे में माँ फिक्रमंद होती, पर ये हाजरा की अच्छाई नहीं थी, तेरी अच्छाई थी जोया। तू है ही इतनी अच्छी कि सारे तेरे से बहुत मुहब्बत करते। जब तूने नन बन के नहीं दिखाया तो हाजरा, लैला और बीना वो कैसे तेरे लिए भाभियां बनते हैं? जोया वैसी हो जा मेरी गुड़िया, हमें अपनी जोया बड़ी अजीज है। अरे घर की रौनक, मेरे भाई के दिल की ठंडक, अम्मी जी की आंखों का नूर, मेरी मेरी वो बहन जिसकी मिसाल मैं अपने बेटे को देता था। मैं कहता था शायना तूने ना जोया बटो जैसा बता, ताकि मैं भी अपना बुढ़ापा इतने ही सुकून से गुजार सकूं। तुमसे दूर मत जा बेटा, तेरी बड़ी कमी महसूस हो रही है अपनी बहन की, अपने बेटे की। वैसे तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, पर तुम ये याद रखो कि अगर तुमने इस घर में रहना ना तो इस घर में बहू बेटियों के ये तरीके से लिखे नहीं है कि रातों को इतनी देर से आए। थैंक यू। मैं जो नाशुक्रापन कर रही हूँ आपका दिल दुखा कर। तू हजार बार मेरा दिल दुखा, मैं हजार बार तुझे मनाऊंगा। कब आ रहा है वो शफीक? जी आज रात को ही फ्लाइट है जी। ठीक है, जुमे का दिन ठीक रहेगा। किसकी जी? जाहिद तुम्हें ना लैला से बात करनी चाहिए, पहले भी तो तुम उसके साथ काम करते रहे हो। मैं उसके साथ काम करता रहा हूं लेकिन खुशी से नहीं, वो अचानक उसका शौक खत्म हो गया। अब दोबारा अगर काम करने का शौक हो गया तो मैं नहीं जाने वाला। क्यों? गवर्नर लग गए हो तुम? अफसरी अलर्ट हो गई है या बैठे बैठाए लॉटरी निकल आई है तुम्हारी? और लॉटरी नहीं निकली है मेरी, लैला की सौतन निकल आई है बैठे बैठाए, और इस सब की जिम्मेदारी वो मुझ पर डाल रही। और अब उसके साथ दोबारा काम करने का मतलब है कि बातें ही सुनते रहो उसकी। तो ठीक ही है ना, जिम्मेदार तो तुम हो ना। किसने मिलाया था हसीना और आसिम को? तुमने ही ना। वो क्या बेहुदा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? मतलब अब मैं औरतें उठा उठा कर गैर मर्दों के आगे पेश करूंगा? हजार बार लानत है तेरी ऐसी सोच पर। हौला वाला को, अब मैंने सिर्फ जिक्र किया था, उस वक्त तक मैंने हसीना को देखा भी नहीं था। हमारे पीरो मुर्शिद ने बारी बारी सबसे पूछा था कि कोई है जो इस बेसहारा औरत से निकाह करे। अब ऐसी भी बात नहीं है जायद, चलो मान लेते हैं कि तुमने हसीना से आसिम को नहीं मिलवाया, ये भी मान लेते हैं कि तुमने उसकी झलक भी नहीं देखी, पर मैं ये बात नहीं मान सकती कि आसिम को दूसरी शादी के लिए तुमने नहीं उकसाया था। बनाने होंगे ना अपने पीरो मुर्शिद के सामने तुमने नंबर, कि लो ले आए हो अपना भाई कुर्बानी का बकरा बना के, पर आओ मेरे गले में जन्नत के हार, है ना? शायद ये होगी ना तुमने हौसला अफजाई की होगी, तकरीरें झाड़ी होंगी, तभी तो उसका जहन बनाया। मैं क्यों बनाऊंगा?
और मेरे लेक्चर देने से अगर लोगों के दिमाग बदलते होते ना तो सबसे पहले मैं तेरा दिमाग बदलता। मेरी बीवी पर तो मेरी बात का कोई असर होता नहीं है, औरों पे क्या हो? अच्छा जाहिद, मैं लड़ने के मूड में नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये बात मान लो कि आसिम की दूसरी शादी में तुम्हारा बराबर का हाथ है, ना होते ना तुम तो दूसरी शादी भी ना होती। अब हो गई है ना, कम से कम उसकी तलाफी तो करो। क्या करूं तलाफी, कान पकड़ के उठक बैठक करूं यहां? मेरी बात सुनो जाहिद, लैला को हमारी मोहब्बत थी, हमारे सहारे की जरूरत। अब्बा जी ने तो कह दिया कि अगर आसिम के पैसे लेने से उसकी खुददारी पर ठेस पहुंचती है तो वो ना ले। कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो कि उसके पास जाओ, उसे कहो कि तुम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो। नहीं, पहले भी तो किया था ना उसके साथ काम, है केटरिंग का बिजनेस में हेल्प की थी ना उसकी, तो बस अब भी कर लो, फायदा ही हो गया था हमारा, चार खर्चे निकल आए थे, अब भी कर लोगे तो हमारा ही फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लैला को ये एहसास होगा कि सारे घर में ना उसके साथ कोई ना कोई तो है जो खड़ा है। जोया वैसे ही हो जा मेरी गुड़िया, हमें अपनी जोया बड़ी अजीज है, हमारे घर की रौनक, मेरे अब्बाई के दिल की ठंडक, अम्मी जी की आंखों का नूर, मेरी वो बहन जिसकी मिसाल मैं अपनी बेटी को देता था। मैं कहता था शायना तूने ना सोया बहुत ऐसा बनता है। हाय आँखी लग गई, चलूं मैं फिर तहज्जुद के लिए जागा नहीं जाता है। तेरी तो बातें ना हाजरा खत्म ही नहीं होती हैं। तो क्या करूं चाची, आपके पास आ जाती हूँ थोड़ा दिल हल्का हो जाता है, सजाद तो मुझसे बात ही नहीं करते, और चाचा ही को पता नहीं क्या हो गया, मैं जो भी बात करती हूँ वो हर बात का उलट ही मतलब ले लेते हैं। ए, मियाँ जी की तो हमेशा से आदत है, पहले बहुओं की कोई बात बुरी नहीं लगती थी, अब बहुओं की बहू की बात कैसे बुरी लगेगी उन्हें। ना तो चाची जी, हमने भी तो कभी ऐसा कुछ नहीं ना किया जो अब हो रहा है इस घर में। आप लोग तो हमें इज्जत से लेके आए थे ना हमारे माँ बाप के घर से, हमको चोर रस्ते से तो नहीं आई थी तीनों। वैसे भी जो इस घर के असूल थे हम आज तक उन्हीं असूलों पर चली हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हुई। अब इस लाड साहबा को देखे ना जाके माँ अपने मैके बैठी है, रात के 10 बज गए हैं। हमारी कभी जरूरत थी कि हम ऐसी हरकत कर सके रातों को इतनी इतनी देर से बाहर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का है? वैसे तो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, पर तुम ये याद रखोगे अगर तुमने इस घर में रहना ना तो इस घर में बहु बेटियों के ये तरीके से लिखे नहीं है कि रातों को इतनी देर से आए। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने मुझे अपनी बहू तो माना, इस घर की बहू। सुनिए आपने इस चलाकों की बातें, सही बहू मिली है तुझे हाजरा। आप अच्छे नाराज है। मैं तुझसे क्यों नाराज हूं? बेटियों से नाराज होना ना शुक्रिया, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, मैं तुझसे क्यों नाराज हूं? मैं जो नाशुक्रापन कर रही हूँ आपका दिल दुखा कर। तू हजार बार मेरा दिल दुखा, मैं हजार बार तुझे मनाऊंगा। जी मुझे समझ आ गया है कि मोहब्बत में रूठने और मनाने का ही नाम एहसास है। कीमती वक्त हम जाया कर देते हैं ऐसे गिले शिकवे करने में, इंतजार करते रहते हैं कि कोई आके हमें मनाएगा। सो सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया। मैं
बेटियां बिल्डिंग दुखा दी, दिल तो बेटे दुखा दिए। जाहिर नूरे कितने सालों से मेरा दिल दुखा रहा, उस शफीक जो है उधर ना ना ले मेरे सामने। मियां जी ओ शफीक। ओ की शफीक, फोन आया ना उसका तेरे से होना, तू तू मुझे चिढ़ाने के लिए आ गई है, सुन ले। नहीं मैंने बात कर ली है, अब वो आपसे बात करना चाह रहा है। अब्बा जी कर लेना बात, ये जरूरी चीज होगी। मेरी दी के आ रही है, फिर मैं बात कर रहा हूँ। आज भी ओ की है, ये बात दिल को लग रही है भाई कि शफीक का अचानक आने का फैसला कैसे हो सकता। कोई ना कोई बात है जरूर जी। वैसे वो बात नहीं, बात बहुत बड़ी है, वो तो तेरे से भी ज्यादा कंजूस है सुजात, इतनी जल्दी टिकट कैसे ले लेगा। कंजूस? मैं कहाँ का कंजूस हूँ भाई? और ये बड़ी लंबी बहस है, मेरा मुंह ना खुलवा दू, किसी दिन तफसील से तुझे तेरी कंजूसी के किसे सुनाऊं ना मैं। ये जो तू छोटी छोटी कमीनियां करता है ना, सब पता है मेरे को। 3 महीने पहले जब शफीक जोया की शादी पे आया था तो उसके पास देला नहीं था खर्चने के लिए, कि जी मैंने तो आगे इतनी महंगी टिकट खरीद ली और खर्चा कैसे करूं, मैं तो इसीलिए पाकिस्तान नहीं आता। लेकिन अब इतनी जल्दी जो टिकट ली है, कोई बात है जरूर जी। वैसे ओए आने दे, पता चल जाएगा क्या बात है, कौन सी कस्तूरी साथ लेकर आ रहा है, कहाँ से ले। बड़ा ही कंजूसन हुआ। तब्बा तब्बा कितनी तेज लड़की है, कैसे पट पट जवाब देती, न शर्म न लिहाज, इतनी की कोई लंबी जबान है तब्बा। चलो जी ये भी अच्छा ही हुआ, उसे भी हमारे घर का माहौल अपना अपना ही लगेगा और हमें भी खैरियत का एहसास नहीं होगा, क्योंकि लंबी जुबान रखना और पट पट जवाब देना तो हमारी खानदानी खसलत है ना। शर्म तो नहीं आती आपको है? सिर्फ उस लड़की की हिमायत करने के लिए तो आप पूरे खानदान को बुरा कह रहे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कह रहा, तुम हंसाने की कोशिश कर, कितने दिन हो गए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखे। खैर छोड़ो, वो तो शफीक आ रहा है कि नहीं, तो मैं फिर पहले भाई के जरिए उसके कान में बात डाल दूं, या फिर वो जब आए तो तभी कर लूं बात। कौन सी बात? बाबा तुमने आप ही तो कहा था कि वो अब्बा जी के जरिए शफीक के कान में बात डाली जाए कि वो पुलिस के लिए शाइना का रिश्ता मांग ले। अब नहीं है कोई जरूरत बात करने की। ये क्या बात हुई भाई, इतना प्रेशर दबाओ मेरे पे डाला हुआ था तो अब। तब सदान ने ये शोशा भी तो नहीं छोड़ा हुआ था, तो ना ही शाइना ने आपकी और चाचाई की शैपी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया हुआ था। अब तो उस लड़की ने 4-5 साल मेरे हाथ नहीं आना शादी के लिए। वैसे तो पहले भी कब मेरे हाथ में थी, हाथ में होती तो इस तरह यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती मेरी बगैर इजाजत के। चलो ये भी अच्छा ही हुआ यार, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, यानी खुद अपने मुंह से अपनी बेटी की बात कर हल्का सा हो जाता है बंदा। तो मजा तो ये है कि कोई चाहत से खुद हाथ मांगे और देख लेना, आज रब एक देख लेना, मेरी बेटी माशाल्लाह इतनी काबिल है कि एक दिन ना रिश्तों की लाइन लग जाएगी, देख लेना। गलतफहमी है आपकी, लड़कियों के रिश्ते उनकी काबिलियत और डिग्रियां देख के नहीं मिलते होते। खैर मुझे क्या, मैंने तो फैसला कर लिया, मैंने किसी चीज में दखल देना ही नहीं है, तो ना ही मैंने इनसे कोई तवक्कुआत रखनी है। जोड़ा अच्छा लग रहा है, चलो सो जाते हैं फिर। ना फिक्र की कोई बात नहीं है मियां जी, है तो हमारा अपना बेटा ना, याद आ गई होगी उसको हमारी। हाँ? कौन? अपना शफीक, और कौन, अब जोया की शादी पर आया था, कैसे मुंह बना हुआ था बेचारे का, और आपने भी ना मियां जी गले नहीं लगाया था उसको जब वो वापस जा रहा था।
तीन महीने कैसे तड़पा होगा वो बेचारा। देख जैतून बानो, मैं जानता हूँ माँ को औलाद से बाप से 10 गुना ज्यादा मोहब्बत होती है, पर ये जो बाप होता है ना, ये औलाद के करतूतों उनकी नियत पर नजर रखता है माँ से 20 गुना ज्यादा। वैसे मैं शफीक की वजह से परेशान नहीं हूं, मैं कुछ और सोच रहा ना। वो क्या मियाँ जी? देख फिर तुम मारो, इन दोनों इस घर में जो कुछ हुआ है, जो कुछ गुजर गया है, वो हमने सब ठीक करना है ना। बर्दाश्त तो कर लिया सारा कुछ, अपने देख भी लिया। आसिम का और लैला का जो मामला है वो तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, पर वो जड़ा है ना, वो सदान ते हाजरा, उसके बीच में जो कुछ चल रहा है वो देख ले, लटकाया तो नहीं जा सकता, उसको भी ठीक करना है ना। मियाँ जी, हाजरा को सोचना चाहिए, जब आपने इजाजत दे दी है सदान की बीवी को इधर घर में रहने की, तो उसकी क्या मजाल है जी उसे वो निकाल दे। समझ नहीं रही तू जैतून बानो, अफरा को मैंने सदान की बीवी की हैसियत से इस घर में रहने की इजाजत दी है। तुझको पता नहीं वो शाइना के कमरे में पड़ी है उसके साथ, बच्चे तो हमारे हैं ना, बागी हो गए, बात थोड़ी सी उन्होंने गलती दिखा दी है, बेशरम नहीं है वो, दीद है आंखों में उनकी। सदान भी कुछ नहीं बोला, अफरा बिचारी भी चुप पड़ी। भाई अगर वो बेशर्मी दिखाता तो फिर वो सीधा अफरा को अपने कमरे में ले जाता, उसने ऐसा नहीं किया। तुम बानो, जब बच्चे हमारे ऐसा कर रहे हैं, दी शर्म दिखा रहे हैं, तो हमें भी उनका लिहाज करना है। ऐसा कब तक चलेगा? ठीक कह रहे हैं, समझ रही हैं तू? साढ़े बच्चे के मेरा बच्चा। वैसे रुबीना तुम भी यही कहती होगी ना, सारी जिम्मेदारी तो मैं तुम पे डाल जाती हूँ और गायब हो जाती हूँ। ले कैसी बातें कर रही हो तुम लैला, काम से जाती हो ना। याद है मुझे जब माहम पैदा होने वाली थी ना, और अभी छोटा सा था, तो सारी जिम्मेदारी 2 महीने तुमने ही उठाई थी, जरा सा बोझ नहीं पड़ने दिया मुझे। हर दफ़ा इतनी मेरी मदद की है, इतना सा नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए। तो मेरे बच्चे भी तो हैं ना वो। अच्छा सुनो, इसके दूध के टाइमिंग तो अब तुम्हें अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं बस मैक्सिमम 2 या 3 घंटे में आ जाऊँ, ठीक है? लैला बात करनी थी तुमसे। बताओ खैरियत है? हाँ वो आसिम भाई ना बहुत परेशान है। अच्छा, वैसे मुझे भी उनकी हरकत पे उतना ही गुस्सा जितना तुम्हें, लेकिन उनकी जो हालत है ना। कौन सी हालत देख ली है तुमने रुबीना उनकी? वो तो बहुत खुश है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंखों से उसे हसीना के साथ हंसते खेलते हुए देखा है। पहले सिर्फ उसे इस बात का डर था कि बात ना खुल जाए, इसलिए मुहतात रहता था। बात खुल गई है, वो भी मजे कर रहा है, इसलिए बिल्कुल उसके लिए परेशान मत हो। सब ड्रामे करता जो घर आके इतना मुंह बना के बैठ जाता है, स्पेशली मेरे अब्बा जी और अम्मी जी के सामने, कि मैं बहुत अपसेट हूँ। कुछ भी नहीं, ही इज वेरी हैप्पी। दोगला है सब मर्दों की तरह, करना भी सब कुछ है और एंड में हमदर्दियां भी समेटनी है, लेकिन मैं वो औरत नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ, बिल्कुल ना परेशान हो मेरे लिए। ओके
क्या देख रहे थे इतनी देर से? तुम्हें देख रहा हूं। अजीब बात है ना, इतने दिन हो चुके हैं हमारी शादी को, तभी तुम्हें छुप छुप के देखना पड़ता है। अच्छा मैं आता हूँ, आप जाओ, उन लोगों में आ रहा हूँ। और भाभी को भी। अच्छा आ रहे हैं, आ रहे हैं। चलो तो आ जाएंगे। भैया आ जा, चाचा आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि ना मेरा उस लड़की के सामने सामना कराया करें। वो मैंने कहा ना बैठी रहा करके, सारे लोगों को इकट्ठा बुलाया मैंने, कोई काम होगा ना, कोई जरूरी बात करनी होगी ना। मैंने लभी फिजा कब आ रहा है वो शफीक जी? आज आज रात को ही फ्लाइट है। रात को? कल? कल क्या है? जुमरा परसों जुमा, ठीक है, जुमे का दिन ठीक रहेगा। किस लिए जी?